नमस्कार साथियों, मेरा नाम मौसम सिन्हा है। इस वीडियो में मैं आपको कुड का यूज़ बताने जा रहा हूँ। कुड कैन का पास्ट फॉर्म होता है और कुड को हम पास्ट इंसिडेंट्स में पास्ट में रेफर करते हैं। पहला कुड का यूज़ है, हम कुड को पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, लाइक ही कुड कम टू मी, वो मेरे पास आ सकता था। यहाँ हम पॉसिबिलिटी को रेफर कर रहे हैं। दूसरा हम कुड का यूज़ कर सकते हैं कंडीशन के लिए, जब कंडीशन में हम पॉसिबिलिटी को देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई हैड एन अपॉर्चुनिटी आई कुड ग्रैब इट, अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी होती तो मैं उसको ग्रैब कर लेता या कर सकता था। तो यहाँ पर हम पॉसिबिलिटी को रेफर कर रहे हैं एंड एट द सेम टाइम कंडीशन इज बीइंग अप्लाइड। तीसरा इसका यूज़ होता है सजेशन के लिए, जब हम सजेशन पास्ट में रेफर करते हैं तो हम कुड का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कुड हेल्प हिम, मैं उसकी मदद कर सकता था, यहाँ पर हम सजेशन की बात कर रहे हैं। अगला जो यूज़ है कुड का, वो एबिलिटी और इनएबिलिटी को एक्सप्रेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई कुड स्विम, मैं तैर सकता था, यहाँ मैं एबिलिटी को रेफर कर रहा हूँ। या मैं कहूँ आई कुड नॉट स्विम, तो यहाँ मैं इनएबिलिटी को रेफर कर रहा हूँ। तो जब हम एबिलिटी और इनएबिलिटी को रेफर करते हैं तो वहाँ भी हम कुड का यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक और यूज़ है, हम याद रखें, अगर वन टाइम एबिलिटी को रेफर करते हैं तो वहाँ पर कुड का यूज़ नहीं होता, यानी हम वहाँ एबिलिटी को रेफर नहीं करते बल्कि इनएबिलिटी को रेफर करते हैं। एबिलिटी के साथ अगर वो वन टाइम एबिलिटी है तो हम कुड यूज़ नहीं करेंगे, हम केवल इनेबिलिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, वन टाइम इनेबिलिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं कुड नॉट। लाइक आई कुड नॉट फ्लोट हिम इन द एयर, यहाँ पर मैं इनेबिलिटी रेफर कर रहा हूँ बट वन टाइम इनेबिलिटी को रेफर कर रहा हूँ। सो वन टाइम इनेबिलिटी में हम कुड नॉट का यूज़ कर सकते हैं।